आज ही मैंने काफ़ी सुना CPA ने क्या क्या किया है और मुझे बस इस बात की खुशी है कि मुझे अप्रोच किया गया और मुझे इस तरह के कॉज के साथ जुड़ना, आई थिंक ये गर्व की बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान इस एरिया में इस डिपार्टमेंट में सपोर्ट कर सके उसको करना चाहिए। हम में से कोई भी हो सकता है इसका शिकार, हमारे घरों में कोई हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है, तो आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं अच्छा है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि आई विल बी एबल टू डू अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड टू मेक देम अ बिट मोर हैप्पियर एंड आई होप आई ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू देयर लाइव्स बाय डूइंग दिस कॉन्सर्ट। I know it from किसी और ऐसा एक इन्वेंशन है जिससे एटलीस्ट इतनी राहत हो कि थोड़ी बहुत बातचीत अपने घरों में लोग कर पाएँ अपने लव्ड वन के साथ। और वॉइस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सिर्फ एक गाने वाला ही नहीं, नॉट ओनली मी बट एनीबडी हु इज हियर इन दिस वर्ल्ड, यू नो इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, इट्स एवरीथिंग, इट्स यू, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज़ से, सबके वोकल कॉर्ड्स यूनिक होते हैं, राइट? सब एक जैसे, कभी आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो इंसान में होती है, और वो अगर उसके पास ना हो तो क्या हालत हो सकती है, आई कांट इवन इमेजिन। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि ये डिवाइस उनको हेल्प कर सकती है टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन देयर रेगुलर लाइव्स, एंड इट्स ब्यूटिफुल। आई लव व्हाट CPA इज डूइंग। और रिसेंटली आपने से जुड़ी हुई आपने एक बात कही थी कि आपकी आवाज़ जो इतनी यूनिक थी कि मतलब कि आप जब इंडस्ट्री में आई तो आपकी आवाज़ इतनी यूनिक थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो आपको शुक्रिया अदा कर रही थी। जी जी, मैं जब आई थी इंडस्ट्री में तो मेरी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द फैक्ट कि मेरी आवाज़ में थोड़ी एक अलग सी बात थी शायद लोगों को लगा, तो इसलिए मुझे मेरी एक जगह मैं बना पाई और लोगों ने मेरी आवाज़ में बिलीव किया और इतने लोगों तक, करोड़ों लोगों तक जैसा आपने कहा पहुंचाया है। मैं सबको मिल तो सकती नहीं, मैं सबको देख भी नहीं सकती सामने से, लेकिन मेरी आवाज़ के थ्रू मैं कितने लोगों से कनेक्ट करती हूँ मेरे म्यूज़िक के ज़रिए। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू ऑलवेज चेरिश दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन मी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव। यार सुनीति जी, वर्ल्ड हेल्थ डे भी आ रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जस्ट वन थिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये हम कभी कभी अर्ली इन लाइफ समझ जाते हैं, कभी बहुत लेट समझते हैं जब तक बहुत देर हो जाती है, तो ये पक्की बात है कि सब आपके पास होगा, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है या फिर कोई भी एक चीज़ आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो आपको कमी खलती रहेगी। पैसा आए ना आए, वो तो ऊपर नीचे बड़े बड़े अमीरों के साथ होता रहता है, जितने लोगों के पास पैसा है या नहीं है उनके साथ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हेल्थ इज़ समथिंग दैट स्टेज विद यू, दैट गिव्स यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस, फिटनेस, यू नो दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो आई जस्ट से कि आप अपने आप का ख्याल रखें बस। सुरेंद्र जी, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आप कैसे गाने का मतलब वो करते हैं चयन, और ये कॉन्सेप्ट के लिए कैसे चयन करते हैं? मैं वही करूँगी जो मैं अपने कॉन्सर्ट्स में करती आ रही हूँ, और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर आएंगे देखने, हमारा जो मेन जो रीज़न है कॉन्सर्ट करने का कि वी कैन रेज फंड्स फॉर दिस एसोसिएशन, आई होप दैट हैपन्स इन अ वेरी गुड वे,
एंड साथ साथ में ये भी हो कि कॉन्सर्ट लोगों को देख के मज़ा आए, उनको वो इन्जॉय करें. और मैं जो हमेशा करती हूँ, मैं सिर्फ दिल से ही गाती हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं है. बस यही कहूँगी कि जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो दैट इज़ माई मोस्ट रियल सेल्फ, दैट्स माई मोस्ट कम्फर्टेबल सेल्फ. सो आई एम गोना बी दैट. आई जस्ट होप पीपल हैव अ गुड टाइम. कैंसर पेशेंट की बात किया जाए तो जो भी सिनेमा में हम देखते हैं कि स्मोकिंग, धूमपान, ऐसे बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे यंग यूथ इसे फॉलो करते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी. बस जो एक नॉन फैक्ट है कि ये चीज़ नहीं है सेहत के लिए अच्छी, उसे जो समझ लेगा वो नहीं करेगा, उतना ही मैसेज काफ़ी है. और कोई क्या कर रहा है वो तो दुनिया भर में बहुत सारे, सिनेमा ही नहीं बट बिगेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैन, यू नो पीपल यू नो इन स्पोर्ट्स ऑल्सो डू दैट, बट इट्स जस्ट अप टू, इट्स अ पर्सनल चॉइस. यू शुड बी एबल टू लव योर सेल्फ इनफ टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. मेरा फुल सपोर्ट है, जैसे किसी का भी होना चाहिए. और हमें सिर्फ उनको देखना चाहिए जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं बट दे केम आउट ऑफ इट. सो आई थिंक इट्स योर विल पावर दैट्स गोना कीप यू गोइंग. और I've seen and I've read so many things about, you know, magical things happen to people who are suffering from cancer or any other disease. If they have the will to live, if they have the strength to be able to overcome the negativity around, then only positivity comes in and they can fight anything. Cancer is probably the smallest thing. I know it's the biggest issue worldwide, but I think we know a lot of people who have fought this, and I have someone in my house who's fought this. So yeah, it's magical. You just have to find that person in you who can believe. Shreya ji, No Tobacco Day bhi aa raha hai aur matlab ki kai actors log jo hai ads bhi karte hain No Tobacco ka, to kya kahenge uske bare mein?